हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक कॉमेडी ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द डिक्टेटर। इस कहानी में हम लोग अलादीन नाम के एक राजा को देखेंगे, जो कि एक नंबर का बेवकूफ़ होता है। वो बेवकूफ़ के साथ साथ सनकी और पागल भी है। वो अपने पागलपन की वजह से क्या क्या कारनामे करता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें एक देश वाडिया दिखाया जाता है। इस देश में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम अलादीन है। अलादीन के जन्म के बाद उसकी माँ को मार दिया जाता है। इसके कुछ सालों बाद उसके फादर की भी हत्या कर दी जाती है। अपने माँ बाप के मरने के बाद 7 साल की उम्र में ही अलादीन राजा बन जाता है। इसके बाद इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब अलादीन बड़ा हो चुका है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ अब वो संकी और पागल बन चुका है। एक बार वो अपने देश में ओलंपिक गेम रखवाता है, जिसमें वो खुद भी पार्टिसिपेट करता है। दौड़ने के दौरान जब भी कोई रनर उससे आगे निकलने की कोशिश करता, वो उसे गोली मार देता था, और वो ऐसे करते हुए सारे गेम्स जीत जाता है। वो इस पूरे ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीतता है। अब उसके मन में जो भी आता है वो उसे करता है। एक दिन अलादीन अपने महल से बाहर आता है और वो अपनी जनता से ये बोलता है, एक दिन सारी दुनिया हमारे आगे झुकेगी, क्योंकि हम लोग जल्द ही परमाणु हथियार तैयार करने वाले हैं। इस हथियार को हमने हमला करने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन हम परमाणु हथियार के जरिए शांति बहाल करेंगे, ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। इसके बाद वो अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है। वहाँ वो अपने चाचा तामिर से मिलता है। इसके बाद वो लोग अलादीन को लेकर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अलादीन देखता है उसका मिसाइल बहुत छोटा है। ये देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्ट नडाल को बुलाने के लिए बोलता है। इस पर बाकी के साइंटिस्ट उसे बताते हैं, जब आप पिछली बार यहाँ आए थे तब आपने नडाल को मरवा दिया था। अलादीन को नडाल के बारे में याद नहीं था। जब वो 2 साल पहले यहाँ आया था तब उसने गुस्से में आकर नडाल को मरवा दिया था। अलादीन ये सब सोच रहा होता है, तभी सामने खड़ा साइंटिस्ट उससे बोलता है, शायद आप नडाल के बारे में भूल गए होंगे। इस पर अलादीन हंसने लगता है और वो कहता है, मैं कोई भी बात नहीं भूलता हूँ। इसके बाद अलादीन उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन अपने महल में वापस आता है। यहाँ हम देखते हैं अलादीन के पर्सनल सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जब भी उसका मन हो वो इनके साथ घपाघप कर सके। एक बार जब अलादीन अपने महल से बाहर निकलता है, तभी एक आदमी उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, और वो आदमी अलादीन को गोली मार देता है, जिससे अलादीन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन बाद में हम लोगों को ये पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं था, बल्कि उसका डुप्लीकेट था। अलादीन अपना कई डुप्लीकेट रखता था ताकि जब भी उस पर हमला हो उसका डुप्लीकेट मारा जाए और वो आसानी से बच जाए। अलादीन अपने डुप्लीकेट को उठने के लिए बोलता है, लेकिन वो मरा हुआ शख्स नहीं उठता है। इस पर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चाचा से ये बोलता है, इस आदमी को भी मरवा दो। अलादीन के यहाँ से जाने के बाद उसके चाचा किसी को कॉल करते हैं और वो उससे बोलते हैं, अलादीन इस बार भी बच गया, लेकिन अब हमें उसके जैसा दिखने वाला एक शख्स को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो हमारा काम कर सके। यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है, अलादीन को उसके चाचा ही मरवाना चाहते हैं ताकि इस पूरे सल्तनत पर उनका कब्जा हो जाए। इसके बाद चाचा तामीर अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं। उन लोगों को एक शख्स मिल जाता है जो कि बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता था, लेकिन वो आदमी भी अलादीन की तरह ही बेवकूफ होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अलादीन को देखते हैं, जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ घपाघप कर रहा होता है। इसके बाद वो उसके साथ एक फोटो क्लिक करवाता है और वो उस फोटो को दीवार पर चिपका देता है। इस दीवार पर हम लोग कई सारे फोटोज देखते हैं और इन सबके साथ अलादीन घपाघप कर चुका था। एक दिन अलादीन जब वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी उसके चाचा तामिर यहाँ आते हैं और वो उससे कहते हैं, तुम्हें अमेरिका जाकर परमाणु हथियार बनाने के बारे में सफाई देनी होगी और तुम्हें वहाँ बताना होगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब वो लोग यहाँ फौज भेज देंगे और यहाँ कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। इसके बाद वो अमेरिका आ जाता है। जब उसका काफिला सड़कों से गुजर रहा होता है तब यहाँ के लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोग ये चाहते थे कि वाडिया एक लोकतंत्र देश बन जाए और अलादीन जैसा पागल राजा वहाँ से खत्म हो जाए। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है, जिसका नाम क्लेटन होता है। वो आदमी अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसी रात जब अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है, तब क्लेटन वहाँ आता है और वो अलादीन को किडनैप कर लेता है। वो अलादीन को एक टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और वहाँ उसे अपना हथियार दिखाता है, और इन्हीं हथियारों के जरिए वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला था। लेकिन अलादीन उस आदमी का मजाक उड़ाता है, जिससे क्लेटन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसकी दाढ़ी काट देता है। इसके बाद वो उसकी दाढ़ी को जला देता है, लेकिन दाढ़ी पर इतनी जोरों की आग लगती है कि वो खुद भी जल जाता है। इसके बाद किसी तरह अलादीन अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करता है और वो यहाँ से निकल जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट चुकी थी, इसलिए वो बिल्कुल अलग दिख रहा था और कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अगले दिन अलादीन उसी जगह पर जाता है जिस जगह पर उसे भाषण देना था। तभी वो देखता है उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ यहाँ आया है और वो भाषण देने के लिए जा रहा है।
ये सब देख कर अलादीन को समझ में आ जाता है उसके साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है ये सब उसके चाचा ने किया है। ये देख कर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ की सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और वो उस रेलिंग से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी यहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो अलादीन को अपनी स्कूटी में बैठाती है और यहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे एक दुकान पर लेकर जाती है और इसी दुकान में जोई काम करती है और उसे ये पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे दुकान पर काम करना चाहोगे? लेकिन अलादीन उससे बोलता है, मैं तुम जैसे बेवकूफों के साथ काम नहीं करता हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। अब अलादीन अमेरिका के सड़कों पर भटक रहा होता है लेकिन तभी अचानक उसे नडाल दिखता है। अलादीन ने कई सालों पहले उसे मरवा दिया था। अलादीन नडाल को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक बार तक पहुंच जाता है और इस बार में वही लोग आया करते थे जो कि अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहां पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो यहां सभी को बताता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अलादीन है। इस बार में अभी जितने भी आदमी आए थे उन सभी को अलादीन ने मरवा दिया था लेकिन इनमें से कोई भी नहीं मरा था बल्कि वो लोग अपने देश से भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद सारे लोग गुस्से की नज़र से अलादीन की तरफ देखते हैं और वो सारे लोग इसे पकड़ लेते हैं और इसे मारने की सोचते हैं। वो लोग अलादीन को मारने ही वाले थे लेकिन उसी वक्त नडाल वहां पहुंच जाता है और यहां आकर वो सभी को बताता है, ये अलादीन नहीं है बल्कि मेरा कजन है। नडाल भी अलादीन को पहचान लेता है और वो अलादीन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब अलादीन नडाल को बताता है उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया है और उसके चाचा पूरे वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अलादीन उससे मदद मांगता है और वो कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नडाल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो यहाँ एक शर्त रखता है और वो कहता है, मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। इस पर अलादीन भी मान जाता है। इसके बाद अगले दिन नडाल और अलादीन उस होटल के पास जाते हैं जहाँ अलादीन का हमशक्ल रहता था। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उसे देख कर वो छुपने लगता है। नडाल उससे पूछता है, तुम उस लड़की से क्यों छुप रहे हो? अलादीन उससे कहता है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। तब नडाल अलादीन को समझाता है, अगर तुम्हारी जान पहचान उस लड़की से अच्छी है तब हम लोग इस होटल में आसानी से घुस सकते हैं। इसके बाद अलादीन फिर से जोई के पास जाता है और उसके शॉप में काम करने लगता है लेकिन वो यहाँ अच्छे से काम नहीं करता है। तभी अलादीन के पास नडाल का कॉल आता है और वो इसे बताता है उसने सारा प्लान तैयार कर लिया है। वो उससे कहता है, हम लोग कैंटीन के बहाने होटल के अंदर जाएंगे। इसके बाद हम लोग नकली अलादीन को वहाँ से हटा देंगे और असली अलादीन यानी तुम्हें वहाँ भेज देंगे। धीरे धीरे अलादीन को इस शॉप में अच्छा लगने लगता है और अब उसे जोई से भी प्यार हो जाता है और अब वो इस शॉप में अच्छे से काम करता है। अलादीन शॉप को चलाने में जोई की बहुत मदद करता है जिससे इस शॉप की सेल काफी बढ़ जाती है। एक दिन अचानक इस शॉप में एक औरत को दर्द होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और इनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि ये लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते। अलादीन इन लोगों से ये कहता है, हमें इसकी डिलीवरी यहीं पर करनी होगी। अलादीन को कुछ भी पता नहीं था लेकिन फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। ये देखकर जोई बहुत खुश होती है और वो अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जोई अलादीन से ये बोलती है वो अपनी पूरी जिंदगी अलादीन के साथ गुजारना चाहती है लेकिन इससे पहले ही अलादीन उससे बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद वो जोई को अपनी सच्चाई बताता है। सारा कुछ सच जानने के बाद वो अलादीन को देखकर बहुत डर जाती है और उससे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। एक दिन जब अलादीन रास्ते से गुजर रहा होता है तब वो टीवी पर अपने देश के बारे में देखता है। वहाँ के लोग अलादीन के वहाँ से जाने के बाद बहुत खुश हैं और वो लोग अब अलादीन के जैसा राजा नहीं चाहते हैं जो कि एक पागल तानाशाह है। अलादीन को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो सोचता है उसे इस पूरी दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद वो अपनी जान लेने के लिए पुल में जाता है। वो पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला होता है लेकिन तभी वहां पर नडाल आ जाता है। नडाल उसे समझाता है और अलादीन उसकी बात मान जाता है और वो अपने मरने के प्रोग्राम को कैंसिल कर देता है। इसके बाद वो नडाल के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से होटल के अंदर जाता है। इसके बाद वो नकली अलादीन को वहां से भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस जगह पर जाता है जहां आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना था लेकिन अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जहां ये लिखा होता है कि अब वाडिया एक लोकतांत्रिक देश है। अलादीन यहां पर ये बोलने ही वाला होता है कि अब वाडिया में फिर से उसी तरह राज चलेगा जैसा कि वो पहले किया करता था लेकिन इससे पहले ही वो जोई को देखता है और उसको देखकर अलादीन अपना मन बदल लेता है। जोई को देखकर वो फिर से ऐलान करता है कि अब वाडिया में तानाशाह नहीं चलेगा बल्कि वाडिया एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी अचानक तामीर वहाँ आ जाता है और वो अलादीन पर गोली चलाने लगता है। वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है लेकिन तभी उसका हमशक्ल वहाँ आ जाता है और वो गोली उसके हमशक्ल को लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने देश वाडिया ले जाता है और वहाँ ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के दौरान जोई उसे बताती है कि वो एक जोइस है। ये सुनकर अलादीन मन ही मन बहुत गुस्सा होता है और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है
और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।